in thanking Department of Tourism Jammu and Kashmir for planning and organizing this. सो मच सर, सो ऐसे ही हम फेवरेट कलर कौन सा है? व्हाइट। पहला सवाल सही। सेकंड नाम है पल्लवी मुखर्जी सेन, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है, जन्नत, हेवंस फॉल हेयर, ये मैं सुना था, लेकिन ये एक्चुअली ये सच्ची में हेवन है, कश्मीर हेवन है। और यहाँ पर कल्चर तो हर जगह है, हर जगह हम लोग जो कल्चरल लोग हैं ना, जिसे अच्छा लगता है डांस गाना, वो लोग तो सब कुछ छोड़ के यहीं पर बैठ जाता है, यही हमारे लिए जन्नत है। और जन्नत में ये प्रोग्राम और भी, इसका खूबसूरती और भी। मेरा नाम तेजस है, मैं खड़गपुर वेस्ट बंगाल से हूँ, और ये जो कश्मीर है मेरा सेकेंड टाइम है, लेकिन शादी के बाद फर्स्ट टाइम है। मैं एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे 2011 में, तो तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मेरा मन नहीं भरा तो मुझे दोबारा आना है यहाँ पे। तो जो यहाँ आना चाहते हैं वो आ जाइए, बस ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, हाँ सोचिए मत, बस आ जाइए। आप जितना भी पैसा खर्च करके आइए, सब कुछ वर्दी होगा यहाँ पे, मतलब आपका वेस्ट नहीं होगा, आपको गिल्टी फील नहीं होगा। आप अगर आना चाहते हैं तो जस्ट कम, जस्ट आप आइए, बस और कुछ नहीं, आ जाइए बस। देखिए कि ये कंगडूरी में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट हुआ है, 8,500 फीट के एलिवेशन पे कंगडूरी है, और हमारे गंडोला का फर्स्ट फेज है। हमने ये टूरिस्ट के लिए इवेंट किया है, बिल्कुल ओपन रखा है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, पब्लिक के लिए है। जैसे कि आप देखा अभी जो गा रहे हैं, ये टूरिस्ट इज़ फ्रॉम सिंगापुर, मतलब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टूरिस्ट कितने एंथुसियास्टिक है, गा रहे हैं, नाच रहे हैं यहाँ पे। और पब्लिक जो है, टूरिस्ट खासकर देश के जो डिफरेंट इलाकों से आए हैं या कंट्री के बाहर से, जैसे मैंने बात की कि एक सिंगापुर के जो अभी जस्ट गा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कश्मीर बदल चुका है, यहाँ के हालात बदल चुके हैं, कश्मीर इज़ ओपन फॉर टूरिज़्म।